Myself is Dr. Rajeev Khanna. I'm an endocrinologist from AIIMS. I'm practicing as an endocrinologist in Amritsar. जैसा कि अभी डॉक्टर गोयल ने आपको बताया कि पेशेंट हमारे पास आया थायरोटॉक्सिकोसिस का, सबसे पहले तो हमने ये देखना कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस है कि हाइपरथायरॉइडिज्म है। टू टर्म हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस, दूसरी हाइपरथायरॉइडिज्म। दोनों में डिफरेंस है। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में थायरॉइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा है, और हाइपरथायरॉइडिज्म का मतलब है हमारी बॉडी का जो थायरॉइड ग्लैंड है वो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना होता है। अगर हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो हमको ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। आप जैसे ये भी कह सकते हो कि हाइपरथायरॉइडिज्म में थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, पर हर थायरोटॉक्सिकोसिस में हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ थायरोटॉक्सिकोसिस और हाइपरथायरॉइडिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी में थायरॉइड हार्मोन की मात्रा ज़्यादा हो गई है। फॉर एग्जांपल, एक कोई भी चीज़ मार्केट में दो वजह से ज़्यादा आती है। एक तो है कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो वो मार्केट में आ रही है, दूसरा है उसकी फैक्ट्री बंद होने वाली है और वो उसने सारा सामान सेल पर लगा दिया है। दोनों में डिफरेंशिएशन ये है कि अगर हम जिसकी तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है उसमें तो वो सामान आता रहेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होती रहेगी, जबकि दूसरी कंडीशन है अगर फैक्ट्री बंद होने वाली है उसमें थोड़े देर के बाद वो सामान मिलना अपने आप बंद हो जाएगा। तो इसी तरह हमको ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि ये जो ज़्यादा थायरॉइड हार्मोन बॉडी में है ये इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से है या इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की वजह से है। तो इस दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक थायरॉइड स्कैन कराना चाहिए। अगर थायरॉइड स्कैन में अपटेक ज़्यादा आता है तो डेफिनेटली ये इट इज़ ए हाइपरथायरॉइडिज्म, क्योंकि थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा थायरॉइड ग्लैंड ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर अपटेक कम आता है तो इसका मतलब है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन। तो उसकी वजह से ये धीरे धीरे जो ब्लड में ज़्यादा हार्मोन आया वो धीरे धीरे अपने आप वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस बेस पर हम पेशेंट की ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं। अगर तो अपटेक लो है तो उस केस में हमको सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी है, जैसे कि एडिनर्जी धड़कन बढ़ रही है उसके लिए बीटा ब्लॉकर दे दिया, जब पेन है उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, ज़्यादा पेन है तो स्टीरॉयड दे सकते हैं। अगर पेशेंट का अपटेक ज़्यादा है तो इसका मतलब डेफिनेटली पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है और उस केस में हमको एंटी थायरॉइड ड्रग देनी पड़ेगी। नॉर्मली एंटी थायरॉइड ड्रग का कोर्स जो होता है 1.5 से 2 साल तक देना होता है, बट अगर हम एक बार एंटी थायरॉइड ड्रग यूज़ करते हैं तो 2-3 महीने के अंदर पेशेंट का थायराइड फंक्शन नॉर्मल आ जाते हैं। वो जो धड़कन बढ़ना, टैकेकार्डिया, जो एडिनर्जी फीचर, वो तो 15-20 दिन में कंट्रोल हो जाते हैं। तो हमको ग्रेजुअली उसकी दवाई कम करनी पड़ती है, बट एंटी थायराइड ड्रग अगर एक बार शुरू कर देते हैं तो हमको इसको 1.5 से 2 साल तक कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर हम ये देखा गया कि अगर 1.5 साल से पहले हम एंटी थायराइड ड्रग बंद कर देते हैं तो ये बीमारी द्वारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो एक ड्रग थेरेपी है कि जो हम थायराइड वाले पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा थायराइड की हाइपरथायरॉइडिज्म की दूसरी थेरेपी जैसे हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन और सर्जरी। सो जनरली हम रेडियो एक्टिव फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी हम ड्रग यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन की जो इंडिकेशन है, अगर ड्रग फेलियर हो, अगर पेशेंट को रिलैप्स हो जाता है, उस केस में हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं। पर इंडिया में नॉर्मली हम ये रेडियो एक्टिव अवॉइड इसलिए करते हैं अगर पेशेंट ने अपनी फैमिली कंप्लीट नहीं की तो जनरली वी अवॉइड। हाउएवर ये बताया जाता है कि अगर पेशेंट रेडियो एक्टिव आयोडीन लेता है तो उसको 6 से 12 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं करनी, बट टू बी ऑन द सेफर साइड हम जनरली रेडियो एक्टिव आयोडीन अनमैरिड लड़की को नहीं देते। जहाँ अदर इंडिकेशन है रेडियो, अगर सोलिटरी नोड्यूल है उस केस में आइदर हमको रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी पड़ेगी या फिर सर्जरी करानी पड़ेगी। जैसे तीसरी मोडलिटी है ये
करने की कि हमको सर्जरी करनी चाहिए। तो इंडिकेशन ऑफ सर्जरी इन प्रेजेंस ऑफ ग्रेव डिजीज, देर आर मैनी इंडिकेशन, पेशेंट इज ए वेरी बिग गाइटर, बहुत बड़ा साइज है, दैट कंप्रेसेस कंप्रेशन फीचर हो रहे हैं, जहाँ पेशेंट ड्रग पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रेडियो एक्टिव आयोडीन पर रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा, तो इवन प्रेगनेंसी विद ग्रेव डिजीज़ है, सेकेंड ट्रिमेस्टर में है, हम एंटी थायराइड ड्रग नहीं दे रहे, उसमें हमको सर्जरी करनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेव डिजीज़ विद कोल नोड्यूल है, जिसमें प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो, उसमें हमको सर्जरी प्रेफर करनी चाहिए। सो इस तरह हम पेशेंट को तीन हिस्सों में एंटी थायराइड ड्रग, सर्जरी एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट को रेडियो आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको पेशेंट शुड बी प्लान, उसको प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव इट इज़ ए रेडियो एक्टिव सबस्टांस। अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं, तो हम पेशेंट को पहले बताना चाहिए कि इसमें आपको हाइपोथायरायडिज्म होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया कि 40% पेशेंट में पहले साल ही हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है, और हर साल 10% हाइपोथायरायडिज्म के चांसेस बढ़ते रहते हैं, और बाय द ए 5 to 10 ईयर ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट हैव हाइपोथायरायडिज्म। तो इस केस में लेटर ऑन पेशेंट को हमको थायरोक्सिन की थेरेपी भी देनी पड़ सकती है। वाइल प्लानिंग फॉर रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो कुछ चीज़ों का हमको ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम पेशेंट को रेडियो एक्टिव आयोडीन देने के लिए तैयार कर रहे हैं, अगर पेशेंट न्यू मरकाज कार्बिमाजोल और न्यू मरकाजोल ले रहा है, तो एटलीस्ट 5 दिन पहले हमको वो बंद कर देनी चाहिए, और अगर पेशेंट PTU ड्रग ले रहा है, तो हमको एटलीस्ट 15 दिन पहले उसको बंद कर देना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते, तो थायराइड रेडियो एक्टिव आयोडीन को अपटेक नहीं करेगा, उसकी वजह से अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। सो दीज आर सम प्रिकॉशन वी शुड टेक वाइल गिविंग रेडियो एक्टिव आयोडीन। कई बार ये देखा गया कि अगर पेशेंट को ग्रेव डिजीज़, पेशेंट को आइज पर इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, तो उस केस में रेडियो एक्टिव आयोडीन थोड़ा आइज पर इफ़ेक्ट कर सकती है, तो उस केस में हमको पेशेंट को थोड़े दिन पहले स्टीरॉइड पर डालना पड़ता है। ये देखा गया अगर हम पेशेंट को स्टीरॉइड पर डालेंगे, वो तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का इफेक्ट आइज पर कम होगा। सो दीज आर द फ्यू प्रिकॉशन वी कैन टेक वाइल गिविंग रेडियो एक्टिव आयोडीन।